आज आपके इस कासारे नगरी का पुण्य जो हम लोगों को भामेर की ओर जाना था, और जब पूछा गया सब लोगों ने यही बताया पीपलनेर और साकी होते हुए बामेर है, लेकिन आप लोगों का पुण्य हमें इस ओर खींच लाया कि हम सीधे न जाकर इधर अंदर से इस तरफ से जाने का भाव दिगावे होते हुए कासारे और फिर इधर से साकी होते हुए आगे जाने का भाव बना। निश्चित रूप से बहुभागनवश जोगी बसाए है ना, जिसका भाग्य बुलंद होता है योगियों का बिहार भी उधर से ही हो जाता है। आदिनाथ भगवान हो चाहे महावीर भगवान हो, 2400 तीर्थंकरों का बिहार भी इसी प्रकार से, क्योंकि मान लीजिए चलो हमारा तो हम कहते हैं कि भाई इधर से चलो या उधर से या कोई बता देता है, लेकिन तीर्थंकरों का तो ऐसा कुछ है ही नहीं, उनको तो केवल अपना बिहार करना है और वो बिहार किधर होना है तो आगम में इसका उल्लेख मिलता है, शास्त्रों में आता है कि जिधर के लोगों का या जिधर के जीवों का प्रबल पुण्य होता है उसी तरफ महापुरुषों का या महाव्रतियों का बिहार हो जाता है। आज हम सब युग के आदि में जो आदि तीर्थंकर जिनका भी मंडलाचरण भी हम करते हैं रोज, ऐसे आदिनाथ भगवान का जन्म और कौन सा तप कल्याणक है, चैत्र शुक्ल चैत्र कृष्ण नवमी का दिन, यह पावन दिन है। और इस पावन दिन में कल जैसे मैंने आपको बताया था भूमिका तो बना दी थी, राम मंदिर के वहाँ बैठे थे अपन शिवडी पाड़ा में, तो आदिनाथ भगवान ने हमें प्रकृति से परिचय कराया और हमारी संस्कृति तक हमें पहुंचाया। हमारी प्रकृति क्या है और हम अपनी संस्कृति का पालन कैसे कर सकते हैं, या हम उन संस्कारों का पालन करते हुए हम किस प्रकार से अपनी आत्मा को संस्कारित कर सकते हैं, ये मार्ग भी आदिनाथ भगवान ने हमको बताया। उन्होंने केवल हमें निर्वाह और निर्माण की बात नहीं की अपितु निर्वाण की बात भी की, क्योंकि निर्वाह और निर्माण तो कोई भी कर लेता है, लेकिन मूल है निर्वाण, जिसके लिए आज ही के दिन आपको एक बात और बता दूं, 24 तीर्थंकर होते हैं, उन 24 के 24 तीर्थंकर जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उन्होंने दीक्षा ली, क्यों बोलो, इसलिए कि वो इस बात को दर्शाना चाह रहे हैं कि जन्म की सार्थकता तप करने में है, जन्म की सार्थकता तप करने में है, आप तप नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके वही होगा पुनर्नम जन्म पुनर्मनन पुनर्जन्म पुनर्मरण, वह आत्मा जन्म और मरण के इस अनादि काल के चक्र में चली जा रही है, चली आ रही है, कब तक चलेगी, जब तक आप इसको तप अंगीकार नहीं करें। तपना तो होगा, इस जन्म में तपो तो, और अगले जन्म में तपो तो, और सो भाव के बाद में तपो तो, अनादि से ही हमारा संसार ऐसा ही चला आ रहा है। इसलिए युग के आदि में भगवान आदिनाथ भगवान ने हमें चार शब्द मैंने कल दिए थे, फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रकृति विकृति दुष्कृति और संस्कृति। विकृति और दुष्कृति से बचेंगे तब हम प्रकृति के समीप आएंगे, यही हमारी संस्कृति है थी और रहेगी, यही संस्कृति है और कोई संस्कृति नहीं है। इसलिए पहले पाप से बचने का उपदेश दिया, आप व्रतों को अंगीकार करें या नहीं करें आप पाप से बचो, पाप से नहीं बचेंगे। हमारे यहाँ पर तो आश्रव हो रहा है, अब आश्रव के बाद संवर और निर्जरा तत्व को रखा, समझ रहे ना, आश्रव को बंद नहीं करेंगे, नाव में पानी आना शुरू है,
आप कितना पानी निकाल पाएंगे? एक दिन वो नाव डूब ही जाएगी ना। उधर से आना बंद करो, अब पानी निकालना शुरू करो, तो आपकी नाव डूबने से बचेगी, हमारी नाव डूबने से बचेगी। अन्यथा आ भी रहा है, हम कितनी भी मेहनत कर लें नहीं होगा, चाहे साधु बन जाए चाहे श्रावक रहें, कोई फर्क नहीं, लेकिन आपको पहले अंगीकार करना होगा कि हाँ, मुझे आश्रव का द्वार मेरा ये है, इसको पहले बंद कर दूं, तभी जाके वह हमारे लिए संवर और निर्जरा कार्यकारी होगी। नहीं तो हाथी होता है, स्नान के लिए जाता है और वह तालाब में अच्छे बढ़िया स्नान कर लेता है, थोड़ी सी देर बाद में ही रेत पे आता है, धूल मट्टी को उठाता है और अपने पुर से अपने शरीर पे डाल लेता है। ऐसे स्नान से कोई मतलब नहीं है, ये गज स्नानवत है। या एक और मरण कंडिका में एक उदाहरण और दिया है कि चंदुच्युत कर्म, उसका अर्थ है, आपने पुराना बर्मा कमानी देखा हो हिंदी में हमारे उधर, तो कि जो छेद करने वाला बड़ई मिस्त्री होता था, वो बड़ई मिस्त्री किसी चीज़ में छेद करना है काठ में, तो एक रस्सी होती है उसमें लपटी हुई। या बिलोना देखा होगा, यशोदा और उसका, तो उस बिलोना को वह बेलने वाला एक तरफ से रस्सी ढीली छोड़ते हो और दूसरी तरफ से खींचते हो, तो उसमें लपट जाती है, जितनी आपने खींची उतनी वापस लपट गई, इधर जितनी खींची वापस उसमें उतनी लपट गई। बस हम जितने कर्मों का से करेंगे उतना ही फिर से हमने बांध लिया, इससे कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसा ही अनादि से चल रहा है। इसलिए बताया, देशव्रती बनो, देशव्रती बनने से पाप का कम से कम एक देश तो त्याग हो जाएगा, कुछ तो त्याग हो जाएगा, पाप का थोड़े रूप में भी त्याग करना। चार प्रकार की हिंसा में से भगवान आदिनाथ महावीर स्वामी ने कहा, तुम तीन प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं कर सकता है, मत कर, श्रावक है तुझे करना जरूरी है, लेकिन एक हिंसा का त्याग तो कर दे, और वो हिंसा है संकल्पी हिंसा। संकल्प पूर्वक हम जीवों को नहीं मारेंगे, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा का त्याग के लिए भगवान ने नहीं बोला, क्योंकि आप गृहस्थी में रहते हैं और गृहस्थी में उसको करना जरूरी है। तो इस प्रकार से पाप से बचना पहले हमारा जरूरी है। चार बातें आज फिर से अपन करते हैं, आदिनाथ भगवान के जीवन आदर्श को लेकर हमने जो चिंतन किया या हमारे अंदर में आज सामायिक में अभी बैठे, तो हमने देखा कि आदिनाथ भगवान ने के जब जीवन को अपन पलटते हैं तो सबसे पहला है जैसी करनी वैसी भरनी। देख लो, उन्होंने थोड़ी देर के लिए मूसिका का वह बांधा, कहते हैं गाय या बैल के उस पे, है ना, ऐसा सुना है, उनको तीर्थंकर होते हुए 13 महीने तक, 1 साल के ऊपर हो गया, 6 महीने तो वो आहार पे उठे नहीं और 6 महीने फिर उनको आहार मिला नहीं। बोलो तो क्या संत एक ही बात कहते हैं कि आप करके देख लो भाई, जिन्होंने किया उनका जाके घर देख लो, और नहीं है विश्वास तो करके देख लो, एक ही बात है, पाप को जिन्होंने किया है उनका घर देख लो, और नहीं है विश्वास तो करके देख लो, इतना ही है ना। तो अपना आप ही आप पेड़ बबूल का बोएंगे तो आम तो होने वाला नहीं है। भगवान आदिनाथ ने युग के आदि में यही उपदेश दिया कि मैंने किया है तो उसका फल भी मुझे ही मिलेगा, आपने किया है तो उसका फल आपको मिलेगा, मेरे किए हुए का फल आपको नहीं मिलेगा और आपके किए हुए का फल मुझे नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, जब जागे तभी सवेरा, है ना, जब जागे तभी सवेरा, आप शुरुआत जहाँ से कर दोगे बस वहाँ से ही। गुरु जी हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी गुरुदेव कहते हैं कि धर्म की शुरुआत कहाँ से करें या कैसे करें, तो जिस तरफ आपका मुंह है ना उधर पीठ कर लो, और जिधर पीठ है ना उधर मुंह कर लो,
धर्म की शुरुआत हो जाएगी। इतना सरल है बस, जिधर मुंह है उधर पीठ करना होगा और जिधर पीठ है उधर मुंह कर लो, आपका धर्म की शुरुआत हो जाए। इस प्रकार से हमें आदिनाथ भगवान का जब जीवन को पलट कर देखते हैं, 84 लाख पूर्व की आयु में से 83 लाख पूर्व की आयु चली गई, 1 लाख पूर्व की आयु बची। कोई व्यक्ति की उम्र 84 साल हो और वो 83 साल तक घर में संसार में ही रहे तो चिंता तो होगी कि तीर्थंकर है और पहले तीर्थंकर है, ये कैसे निकलेंगे। सौधर्म इंद्र को चिंता हुई अब क्या करूं, हालांकि तीर्थंकर को उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन इशारा तो करना ही पड़ता है ना, कई बार इशारा से ही काम होता है। तो इस प्रकार से एक और नीलांजना का नृत्य वहाँ पर प्रस्तुत किया और वह स्वर्ग से जिसकी आयु थोड़ी ही थी ऐसी वह नीलांजना प्रस्तुत कर दी राज दरबार में। और देखते ही देखते उसका अवसान हुआ नाचते नाचते, और दूसरी नीलांजना जैसे ही सौधर्म इंद्र लाके खड़ा किया और नाचने लगी, आदिनाथ भगवान ने देख लिया ये वो नहीं है जो अभी नाच रही थी, ये कोई दूसरी है। तुरंत बोला बंद करो ये नाच गान, मैं संसार का सार जान गया हूँ, यह क्षणभंगुर संसार है, कब किसका अंत हो जाए कोई पता नहीं। और उसी समय अपने बेटों को बुलाते हैं भरत, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली को बुलाकर अपना राजपाट पोदनपुर का, जैसा आपको मालूम है पोदनपुर का राजा बाहुबली और अयोध्या के राजा बोलो ना, हाँ भरत, नहीं देखा पंच कल्याणक में सब दिखाते नहीं है, तो वह इस प्रकार से वह अपना आत्म कल्याण करने के लिए आज ही के दिन घर छोड़कर निकल गए। और उसके बाद में तीसरी बात है कि आदिनाथ भगवान के जीवन आदर्श को अपन देखें तो उन्होंने हमेशा एक ही बात कही, उन्होंने क्या 2400 तीर्थंकर उन्होंने एक ही धम्मो दया विशुद्धो, दया से विशुद्ध ही धर्म है, दया जहाँ नहीं वहाँ धर्म है ही नहीं। दया को हमेशा अपने घट में उतार कर ही रखना, बैठा के ही रखना। आपने देखा होगा 80 मसी कृषि शिल्प वाणिज्य और कला, ये 6 षटकर्म का उपदेश युग के आदि में कौन ने दिया बोलो, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी उनको ऋषभदेव नाथ भगवान को। लेकिन उनके भीतर में प्राणी मात्र के प्रति टूट टूट कर दया का भाव था, नहीं इनका दुख कैसे दर्द हो सकता है। कल्प वृक्षों से जब मिलना बंद हो गया तब उन्होंने कहा अब कर्म भूमि की शुरुआत हो चुकी है, कर्म किए बिना आपको नहीं मिलेगा, अभी तक तो आप ऐसे ही तोड़ कर ले आते थे या कल्पना करते थे तो कल्प वृक्ष से मिल जाता था, अब नहीं मिलेगा। तब कर्म भूमि की शुरुआत में ही उन्होंने इस षट कर्म का उपदेश देकर बता दिया। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है जैनी लोग खेती नहीं करते, अरे खेती नहीं करते तो फिर आदिनाथ या श्री ऋषभदेव भगवान ने उपदेश कैसे दिया ये तो बताओ। तो ये भी एक आश्चर्य के जो आ जाए मन में वैसी कल्पना करना शुरू कर देता है आदमी। उत्तम खेती मध्यम व्यापार और अधम चाकरी, ये नौकरी जो है ना, जो नौकरी ये आदिनाथ भगवान ने नहीं दिया उपदेश, लेकिन आज हर आदमी पढ़ लिख रहा है, कोई भी बेटा बेटी को पढ़ा लिखा रहा है तो वो यही चाह रहा है अच्छी सर्विस मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, हमारा बेटा अच्छा धंधा नहीं करे अच्छे नौकर बन के रहे। और पहले ऐसा होता था कि लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए भी देते थे तो नौकरी नौकरी है बोले, मैं चना बेच के काम कर लूँगा लेकिन तेरी नौकरी करने के लिए मेरे पास में मेरा विचार नहीं है। ये स्थिति आदिनाथ भगवान ने भी यही बताया। और फिर आदिनाथ भगवान जो आदि पुराण है आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज का, तो जिनसेन स्वामी महाराज ने आदि पुराण में लगभग, क्योंकि वो पूरा नहीं लिख पाए थे और फिर अवसान हो गया था उनका, तो उनके शिष्य थे गुणभद्र स्वामी, उन्होंने उसको उत्तर पुराण में पूरा हुआ
लगभग 10,000 के ऊपर श्लोक उनके उन्होंने लिखे, और फिर 2,500 श्लोक आचार्य गुणभद्र स्वामी ने किए, ऐसे 13,000 श्लोक प्रमाण वह ग्रंथ। तो उसमें आया एक शब्द आता है पशुपाल्योपेता। पशुपाल्योपेता मतलब कि पशुओं का पालन और कृषि, ये दोनों जब तक नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन का संरक्षण और संवर्धन नहीं कर पाएंगे। जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि पशु हमारा पालन करते हैं, हम पशुओं का पालन नहीं करते। ये भी एक अपनी कंसेप्ट को क्लियर कर लें, ये धरती जब तक ही टिकी है जब तक पशु है। यदि पशु नहीं होंगे, तो अभी आया था 2 साल पहले कोरोना, एक आपने सुना होगा ना, हाँ वो ऐसे ही होगा, क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाएगा, बिगड़ ही रहा है। और आदिनाथ भगवान का तो चिन्ह भी कौन सा है, बोलो, बैल। तो वो स्वयं बता रहे हैं कि इनका पालन करना बहुत जरूरी है। तो धम्मो दया विशुद्धो, ये तीसरा बताया। और चौथा फिर बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट, फिर और भी बात करेंगे कि जाति नहीं धर्म पूज्य है। इसको अपन नोट करें, आज हम छोटे छोटी जातियों में उलझ के अपने आप को बहुत एक कुआ जैसे बना, कूप मंडूर जैसे बन गए, क्योंकि धर्म आत्माश्रित है और जाति देहाश्रित। ये बताइए, शरीर महत्वपूर्ण है या आत्मा? ये शरीर तो आज है, कल नहीं, अभी पल का भरोसा नहीं, और आप ही इसको आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा है, पुद्गल है। हम चेतन को देखें, पुद्गल को नहीं। हमारा धर्म जो है वो आत्माश्रित है। हमने धर्म को ढोंग कर दिया और शरीर में उलझ गए, जाति में उलझ गए। ये स्थानकवासी हैं, ये श्वेतांबर हैं, ये दिगंबर हैं, ये पोरवाल हैं, ये ओसवाल हैं, ये सिंधु भी हैं, ये काला है, ये बढ़ जाते हैं, ये गंडवाल हैं, ये कौन कौन सी वाले हमने लाके खड़ी कर दी अपने बीच में। इन चीज़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण था उसको भूल गए, जो आत्मा की ओर ले जाने वाला है उसको हम गौण कर दिए, और बाहर की इन क्रियाओं में उलझकर अपने आप को सिमेट लिए। यह बात आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में हमें बताया, उन्होंने ही उपदेश दिया कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। ये त्रिवर्ग की स्थापना ऋषभ देव भगवान ने की, फिर ब्राह्मण वर्ग की स्थापना की आपके भरत चक्रवर्ती ने। उन्होंने जब देखा कि ये व्रती लोग हैं, तो इस प्रकार से, तो यह भी हमें देखना है। इसी प्रकार से उन्होंने सारी जन्म से लेकर मरण तक की आदि पुराण यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो भगवान आदिनाथ भगवान ने 108 प्रकार की क्रियाएं, चाहे वो गर्भ संस्कार, अभी हम लोग पारोला में थे, आप लोगों ने देखा होगा पारोला में गर्भ संस्कार विधि भी हुई, गर्भ कल्याणक के दिन, पंच कल्याणक में, और जन्म कल्याणक के दिन जन्म संस्कार विधि, बच्चों के ऊपर संस्कार, एक एक चीज आपको बता के गए हैं। लेकिन चलना तो हमको पड़ेगा उस पथ पर, क्योंकि मार्ग उन्होंने बताया है, चलना हमारा काम है। आज वो सब गौण हो गया, आधुनिकता की इस युग होड़ में हमने अपनी मूल सिद्धांतों को ही छोड़ दिया, चाहे वो गर्भ संस्कार विधि हो, चाहे वो दीक्षा संस्कार या जन्म संस्कार विधि हो। इसी प्रकार से विवाह संस्कार विधि, विवाह भी किस प्रकार से करें, कब करें, सब आज पूरा का पूरा चौपट हो गया। आदि पुराण को पढ़िए, आप किस उम्र में विवाह के लायक हैं। ये विवाह अब आज 35 35 40 40 साल के युवा और युवती, और उनको कहते हैं तो बोले अभी नहीं, तो अभी नहीं तो क्या, या तो ब्रह्मचर्य व्रत ले ले, छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। नहीं है भाई, या तो तुम व्रत लेके आगे अपना जीवन का निर्वाह करो। हमारे यहाँ दो ही मार्ग बताया आदि ऋषभ देव भगवान ने या महावीर भगवान ने, या तो तू गृहस्थ बन जा अच्छा, और या साधु बन जा। ये बीच वाला लपड़ा जपड़ा हमारे इधर कुछ नहीं बताया है। हाँ, या तो आप
एड से अपना बंधन करके, जैसे आप लोग यहाँ विराजित बैठे हैं, सब अपने गृहस्थी में अपना प्रवेश कर लिया, बिल्कुल सही। और या फिर साधु के साथ में लगो, दो ही है ना। ये नहीं कि हम विवाह भी नहीं करेंगे और गृहस्थी भी नहीं बसाएंगे, मतलब साधु भी नहीं बनेंगे, तो कैसे काम चलेगा, दोनों ही नहीं होगा, ये सही नहीं बताया। इसी प्रकार से युग के आदि में जब भगवान वृषभ देव भगवान के चारित्र को पढ़ते हैं तो उन्होंने बताया, नारी को पहले शिक्षित करो। नारी शिक्षित हो गई, आप देखिए अंक विद्या और आपके अक्षर विद्या किसको दी, बोलो। दो बेटियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी थी, उनको क्यों बेटे नहीं थे क्या, 101 बोलो ना थे, भरत आदि 100, नंदा और सुनंदा के, और बाहुबली सुनंदा का, बोलो क्यों नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि स्त्री को यदि, नारी को शिक्षित कर दिया जाएगा तो वह कुल दीपक है, उभय कुल वर्धनी है, एक नहीं दो दो कुलों का प्रकाशन करने वाली है, प्रकाशित करने। देहरी पर रखे दीपक की भांति एक स्त्री या नारी की या एक अबला या एक जो लड़की होती है उसकी स्थिति होती है, जैसे बाहर भी उजाला और भीतर भी उजाला, ऐसे ही पिता के कुल को पहले रोशन किया और फिर पति के कुल को रोशन करें। हमारे आचार्य भगवान ने यही कार्य किया, उन्होंने गुरुकुल पहले नहीं, या तो ब्राह्मी आश्रम खुलवाए थे जो महिलाओं के लिए और दीदियों के लिए, बड़े बड़े आश्रम खुले जबलपुर में, सागर में, अन्य अन्य, और फिर उसके बाद में अभी प्रतिभा स्थली की स्थापना की, जिस प्रतिभा स्थली में 5 शाखाएँ हो गई और अभी लगभग 5,000 से ऊपर बच्चियां उनमें पढ़ रही है और दीदियां उनमें पढ़ा रही है। ये आदिनाथ भगवान का उपदेश के ऊपर ही आचार्य श्री जी ने किया। इसी प्रकार से गौशालाएँ खुलवा कर आदिनाथ भगवान के उस कृषि या पशुपाल्य पेता के जो सिद्धांत है उसकी भी रक्षा वो कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम आगे भी आदिनाथ भगवान जो हैं उन्होंने हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं में से पारंगत करने के लिए बहुत कुछ कहा, और न केवल इतना ही उपदेश दिया कि तुम केवल अपने अपना पेट पाल लो, अपितु उन्होंने यह भी कहा कि नहीं, अपने पेट के साथ साथ में ही आप ऐसी भी काम करो जिसके माध्यम से दूसरे का भी कल्याण हो जाए, आपके माध्यम से, आपकी चर्या के माध्यम से, आपके उपदेश के माध्यम से यदि किसी का कल्याण हो रहा है इसका भी निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जब तक प्राणी मात्र या जीव मात्र के प्रति हमारा करुणा का भाव नहीं होगा तब तक तीर्थंकर प्रकृति का तो बंध छोड़ो। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति तो बहुत दूर की बात है, सामान्य से भी आप मनुष्य की कहलाने लायक भी नहीं होगी। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो प्राणी मात्र के लिए मरे या प्राणी मात्र के लिए जिए। यह है, यह हमें प्राणी मात्र के प्रति सोचना तो होगा। आज का यह जो वर्तमान युग है, यूज एंड थ्रो का कल्चर एक डेवलप हो रहा है, और अब तो और विदाउट यूज एंड थ्रो यह भी एक आ रहा है, यह सब हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। इसलिए हमें यदि भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना है तो आदिनाथ भगवान के इन सिद्धांतों को तो अपने जीवन में उतारना ही होगा। पहली बात हमने बताई कि जो हम करेंगे उसका फल हमको ही मिलेगा। दूसरी बात हमने बताई कि जब जागे तभी सवेरा, हमें शुरुआत तो करनी होगी धर्म, धम्मो दया विशुद्धो, दया ही धर्म का मूल है, ये उनके जीवन आदर्श से हमको समझने को मिला। और चौथी बात, जाति नहीं धर्म जो है वह महत्वपूर्ण है। जाति तो शरीर आश्रित है, धर्म आत्माश्रित है, हमें आत्मा की ओर देखना है शरीर की ओर नहीं। आत्मा सबकी एक है, शरीर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, होते हैं,
लेकिन आत्मा की ओर जाते ही आत्म साम्य की भावना आ जाती है और हम भी उस एक एक प्राणी को बचाने के लिए, एक एक प्राणी को बचाने के लिए अपना एक योगदान देते कि नहीं मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, तभी हम अहिंसा के उस मसीहा या प्रथम युग के आदि प्रथम तीर्थंकर की आज आदिनाथ जयंती मनाना हमारा सार्थक होगा। कासारे वालों का यह पुण्य कि भगवान आदिनाथ को तो अपन ने भी नहीं, आपने भी नहीं देखा और हमने भी नहीं देखा, लेकिन आदिनाथ भगवान के उन पद चिन्ह पर चलने वाले एक नहीं दो दो मुनिराज आज आपके नगर में विहार करते हुए यहाँ पर पहुँच गए, ऐसा निश्चित रूप से पूर्व का पुण्य होता है, तभी होता है। अभी आगे की ओर विहार भी करना है, मौसम भी अपने अनुसार ही बदल रहा है, इसलिए इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। जैसे पेड़ है, उस पेड़ पर अमरूद लगा है, आम लगे हैं, फल लगे हैं, तो फल के लिए क्या ऑक्सीजन भी चाहिए, सूर्य भी चाहिए, सूर्य का वो प्रकाश भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, फल खाद आदि चाहिए, और फिर वो क्या होता है, पकता है और पकने के बाद टूट जाता है, पकता है और पकने के बाद टूट जाता है। उसी प्रकार आपके जो कर्म हैं, उस कर्म को तोड़ने के लिए अगर कोई कारण है तो वो वहाँ पर प्रकाश था, तो यहाँ काय का प्रकाश चाहिए, भक्ति का प्रकाश चाहिए। भक्ति अंदर की भक्ति होगी तभी वो कर्म की लड़ी टूटेगी, नहीं तो कर्म की लड़ी बिल्कुल नहीं टूटने वाली, ये मान के चलना। और थोड़ा इसमें मैंने सोचा कि टूटना और फूटना संसार मार्ग में अपशगुन माना जाता है। अपशगुन मानते हैं, अगर मान लीजिए कांच टूट गया तो क्या बोलोगे आप, अपशकुन हो गया। गिलास फूट गया तो आप क्या बोलोगे, ठीक नहीं हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। टूटना और फूटना सब कुछ आप उसको अपशगुन मानते हो, परंतु ध्यान रखना ये जो मोक्ष मार्ग है, इस मोक्ष मार्ग में तो कर्मों की तड़ी जो लड़ी है उसका टूटना और फूटना अच्छा ही नहीं बल्कि पूज्यता को दिलाने वाला होता है। तोड़ो फरो मोड़ो, जितना तोड़ सकते हो तोड़ो, पूरी छूट है तोड़ने की, यहाँ तोड़ने की पूरी छूट है, आपके यहाँ छूट नहीं है, लेकिन हमारे मार्ग में तो छूट ही छूट है, ये तोड़ने की और फोड़ने की आप छूट लेके आए हैं, समझ लीजिए। आप संसारी प्राणी अपनी सामग्री टूट फूट से बचाता है, टूटना नहीं चाहिए फूटना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर मोक्ष मार्ग में तो हमें बचाना नहीं है, हमें तो निकालते जाना, जितनी टूट फूट होगी उतना अच्छा है कर्मों की, जितना तोड़ो फोड़ पाएंगे उतना अच्छा, और सदैव लगे रहते हैं हम तो कर्मों को तोड़ने के लिए, कर्मों को फोड़ने के लिए लगे हैं, करते हैं भक्ति भी करते हैं अंदर से आस्था के साथ। और इसमें अगर कहें हम तो व्यवहार जगत में संबंधों का टूटना अच्छा नहीं है, व्यवहार जगत में संबंधों का टूटना अच्छा नहीं माना जाता। संबंध टूटते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं ये तो गलत हो गया, संबंध टूटना नहीं चाहिए, परंतु अध्यात्म जगत में संबंधों का टूटना ही सबसे अच्छा माना जाता है। जितना आप संबंधों को तोड़ोगे उतना अच्छा होता चला जाएगा। आचार्य श्री के दोहाई को इस विषय में बहुत अच्छे लगते हैं, जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ो तो नहीं गलत, जुनो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, क्या जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, मतलब बात तो जुड़ना ही नहीं, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ने का कोई काम ही नहीं करना। और अगर जोड़ा और पूर्व में हमने कुछ जोड़ लिया है तो उसको छोड़ना है, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, अभी तक आपने क्या किया है, खूब सारा जोड़ लिया है, और अब वो जोड़ना छोड़ोगे, अब क्या जोड़ना है, बेजोड़ जोड़ना है, तो किसके साथ जोड़ना है, प्रभु के साथ और गुरु के साथ जुड़ोगे तो वो बेजोड़ जोड़ है, वो जोड़ प्रभु के और गुरु के साथ आपने जो जोड़ा है उस जोड़ का जो खाते में पुण्य इकट्ठा हुआ है वो आगे तक आपके साथ जाएगा। तो जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जिसने बेजोड़ जोड़ा है वो मान के चलना उसने अपने जीवन को सार्थक बनाया है, बिल्कुल सार्थक बनाया है। जोड़ना क्या, मैं हाई को और इसमें आचार्य श्री का हाई को अच्छा लगता मुझे, परिचित भी अपरिचित सा लगे बस हो गया, परिचित भी मतलब परिचित मतलब जो जिसको हम जानते हैं,
अपरिचित सा लगे, बस हो गया, मतलब यही हो गया, आपने अपना कल्याण कर लिया। जिससे परिचय है उसके साथ भी आपने अपरिचय वाला व्यवहार कर लिया, उस मतलब साथ रहकर भी आप उसके साथ नहीं हैं ये व्यवहार कर लिया, तो आप क्या हो जाओगे, आपका मान के चलना बस हो गया, मतलब आपका कल्याण हो गया, आपका भला हो गया। महाराज जी कैसी बात करते हो, अब जब साथ रहेंगे तो प्रेम वात्सल्य से नहीं रहेंगे और उससे बात नहीं करेंगे तो दरारें बढ़ती चली जाएगी। भैया हम वो बोल रहे हैं कब तक, कितना, कहाँ तक, कोई तो सीमा हो प्रेम स्नेह की, वात्सल्य की मनाही नहीं है, लेकिन कब तक, 24 घंटे करें, जितना काम हो उतना करें ना, जब काम हो गया हो तो कम से कम थोड़ा तो विराम दें, तो उन संबंधों के साथ भी विराम जरूरी है। इसलिए परिचित तो या परिचित मिल गए तो रात भर सोना ही नहीं, लगे रहना, 3 बज गई 4 बज गई बात कर, इतना नहीं, अगर इतना भी कर रहे हो तो अतिरेक हो रहा है। इसलिए परिचित भी अपरिचित सा लगे, बस हो गया, तो परिचय हो लेकिन इतना परिचय नहीं होना चाहिए। आचार्य भगवान ने इस उपदेश में बहुत अच्छी कारिका बोली है, आचार्य भगवान की वो कारिका है, पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है, दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम त्यजामेनम ततः सर्वम मनो वाक काय कर्म भी। क्या बोला यहाँ पर आचार्य भगवान, बोल रहे हैं कि दुख संदोह भागित्वम, ये दुख रूपी जो समूह है ये काय से प्राप्त होता है, बोले संयोग से। संसारी प्राणी जितना संयोग करेगा उतना दुख मिलता चला जाएगा, जितना जितना संयोग, जितना जितना संबंध, जितने जितने व्यवहार, उतने उतने दुख उसको प्राप्त होते चले जाएंगे। क्योंकि हर दुख काय के लिए, जितने भी संयोग है वो दुख को लेकर ही आते हैं। त्यजामेनम ततः सर्वम मनोवाक कर्म भी, मतलब क्या, त्याग कर दो, कैसे कर दो, बोले मन से भी, वचन से भी, काय से भी, इन संबंधों को, इन व्यवहारों को त्याग कर दो, अगर आप चाहते हो सुखी रहना, तो अगर आप अपने जीवन में शांति का अनुभव करना चाहते हो तो त्याग कर दो, नहीं करना हमें। दुख संदोह भागित्वम संयोगादि तेजम त्यजामेनम ततः सर्वम मनोवाक, मतलब मन से भी त्याग करना पड़ेगा। मैं वचन से तो बोल रहा हूं, मैंने छोड़ दिया, वचन से नहीं, काय से नहीं, अंदर मन से भी जिसका त्याग होगा तभी वो दुख के संयोग से बच सकता है। आचार्य भगवान कहते हैं हर संबंध पीड़ा को साथ लेकर आता है, जितने संबंध बने हैं उस संबंध के बाद में पीड़ा लिखी ही है। देख लो आप, पति और पत्नी का संबंध हुआ, कितने सुखी रहे वो, पल पल पर पीड़ा लिखी है कि नहीं, बोलो तो सही, आप तो अनुभवी हो, हमने तो अनुभव भी नहीं किया, आप लोग तो अनुभवी हो ना, पीड़ा तो लिखी ही है, लिखी है कि नहीं पीड़ा। तो जब जब भी संबंध होगा उस संबंध को, संबंध पीड़ा लेकर ही आता है। हर संयोग के भाल पर दुख का चोला होता है, हर संयोग के भाल पर दुख का चोला होता है। इसलिए संबंधों को जितना छोड़ोगे उतने ही कर्मों को तोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो। तोड़ना है, मरोड़ना है तो वो संबंध छोड़ते चलो, वो संबंधों को विराम देते चलो। वो संबंध जब तक छूटेंगे नहीं तब तक आप नहीं बनोगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कम से कम अपने आप में आने के लिए हम आधा घंटा, 10 मिनट 15 मिनट जितना होता है उतना सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, कुछ नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, बस इस शरीर के साथ हूँ और इस शरीर पर जितने वस्त्र हैं बस उतना है, बाकी मेरा किसी से संयोग नहीं, मेरा किसी से कोई व्यवहार नहीं, इतनी देर के लिए मैं सब त्याग करता हूँ, मात्र आत्मा की ओर जाता हूँ। इतना प्रयास तो करो, प्रयास नहीं करोगे तो कैसे काम होगा। हम चाह ही नहीं रहे, हम अंदर से इच्छा ही नहीं जागृत कर रहे हैं, तो जब हम अंदर से चाहेंगे नहीं, अंदर से इच्छा जागृत नहीं करेंगे तो बताओ कैसे कार्य हो सकता है, हो सकता है क्या कार्य। 3 काल में वो कार्य नहीं हो पाएगा, तो जुड़ना आपको छोड़ना होगा, तभी आप कर्मों को तोड़ पाओगे, अन्यथा कर्म नहीं टूटने वाले हैं। कर्म को तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय ये, जितने हम संयोग को छोड़ते चले जाएंगे, जितने संबंधों को हम दरकिनार करते चले जाएंगे, उतने ही ये मान के चलना हम धर्म के नज़दीक आते चले जाएंगे, प्रभु और गुरु के नज़दीक आते चले जाएंगे। प्रभु और गुरु से हमें नज़दीकी लाना है तो हमारे व्यवहार और हमारे संबंधों को हमें छोड़ना होगा और हमें अपनी सीमा बनानी पड़ेगी, हम कितनी बात करें, कहाँ तक करें और कहाँ तक अपने अपने आपका उसमें स्वामित्व करें। हमारा स्वामित्व हर जगह है,
हर स्थान पर अपने स्वामित्व को हमने बरकरार रखा है। जब तक उस स्वामित्व का हम छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ना तो हमारा कल्याण हुआ है और ना ही कल्याण होगा। अगर कल्याण चाहते हो और कर्मों को तोड़ना और फोड़ना चाहते हो, तो उस कर्मों के तोड़ने और फोड़ने का सबसे अच्छा उपाय संबंध को विराम देना। जब तक संबंध को विराम नहीं दोगे, तब तक कर्म नहीं टूटने वाले। विचार करना आप अपने आप से कि मैं कैसे धीरे धीरे उन संबंधों को छोड़ता चलूं, उन व्यवहारों को विराम लगाता चलूं। वो आप खुद कर सकते हो। वो आपके अंदर से जब आवाज़ आई कि मुझे उन संबंधों को छोड़ना है, तब होगा। अभी भी बुढ़ापा आ गया है, फिर भी उसके बावजूद भी उसका इसका इसका आपके अंदर लगा हैगा। उसकी शादी करना है, इसका ये करना है, उसका वो करना है। अरे अपने बच्चे तो ठीक, अब आपको रिश्तेदारों के इसके उसके बच्चों में लगे हो, तो क्यों संबंधों को आप बना रहे हो? संबंधों को तोड़ने का समय है। या जितने लोग बैठे हैं, लगभग सभी लोगों को संबंधों के तोड़ने की उम्र है, ये जोड़ने की उम्र नहीं है। ये यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, सभी को संबंधों पे तोड़ने की उम्र है, जोड़ने की नहीं है। वो जो धार के एक श्रावक आए थे आज हमारे पास, उनने कहा हमने सब कुछ छोड़ दिया महाराज जी, और हम तो क्या बस अब लगे हैं प्रभु की भक्ति में लगे हैं। जहाँ जहाँ बोले हमने पूरे हर जहाँ विधान होते हैं 10 विधान ऐसे अटेंड कर चुके हैं अष्टानिका के, और 10 लक्षण के शिविर अटेंड कर चुके हैं। पति पत्नी दोनों लगे हैं, तोड़ने में लगे हैं। ये तोड़ रहे हैं, ये तोड़ना है। जब तक आप नहीं तो घर तो है ही, घर गृहस्थी तो है। उस घर गृहस्थी में आप लगे रहोगे तो वो तो लगे ही रहोगे, लेकिन उस घर गृहस्थी के लगे रहने से आपके संबंध नहीं टूटेंगे, और संबंध उल्टे जुड़ते चले जाएंगे। और जब तक संबंध नहीं टूटेंगे, जब तक आपका कल्याण होना ही नहीं है। आप विचार करना मैंने कितने संबंध तोड़े हैं और कितने बनाए हैं, क्योंकि संबंध टूटेंगे नहीं तब तक हमारा कल्याण होगा नहीं। इसलिए टूटती है फूटती है कर्मों की लड़ी, पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी की पांचनाथ प्रभु की भक्ति करने से। और एक बात बताएं, बहुत सारी चीज़ें अभी शैलेश जी से यहाँ का इतिहास लिया, इतिहास को पढ़ा। इतिहास को पढ़ने के बाद यहाँ लगा कि पूर्णिमा से मतलब मात्र पार्श्वनाथ भगवान का ही महत्व नहीं, क्षेत्र पर कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व है।